कानपुर की ओर ले चलते हैं। जनपद कानपुर देहात में 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री का आगमन होगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात वासियों को देंगे बड़ी सौगात। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता को संबोधित करेंगे। करीब 638 करोड़ रुपए से भी ज्यादा परियोजना लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रांगण में 30,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है, जो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लगभग 12 लाख रुपए का वोटर प्लांट पंडाल लगाया गया। क्या तैयारियां हैं सर, जो है मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर के? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ भ्रमण कार्यक्रम है, जिसके क्रम में पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यहाँ पर जनपद के अंदर की फोर्स को भी लगाया गया है, साथ ही जनपद से बाहर के भी फोर्स मंगाए गए हैं। PAC मंगाई गई है और हेलीपैड, सभा स्थल, रूट व्यवस्था, ट्रैफिक, पार्किंग, सभी प्रकार की ड्यूटियों को लगाया गया है। प्रॉपर ब्रीफिंग उनकी की गई है और उनकी त्रुटि रहित व्यवस्था पूरी सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों के आने की संभावना यहाँ बताई जा रही है वर्तमान में? ये सभा स्थल आप देख रहे हैं, इसमें लगभग में 40-50 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। उसी हिसाब से हम लोग पूरी तैयारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना के दृष्टिगत जो मानक हैं उनका पालन कराया जाएगा, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, इस सब की व्यवस्था फोर्स को भी कराई गई है, साथ ही पब्लिक को भी इंश्योर कराया जाएगा कि मास्क के साथ रहें।